अरे भाऊ एग्जाम्पल से समझो, अभी कल को मैंने हाँ जैद, आप जैद पुराने वाले जैद हो, जीएसएस वाले जैद, आप जीएसएस वाले हैं? आवाज आ रही है सबको मेरी? जल्दी बताएं। ओके ओके, चलिए ठीक। देखिए आपको मालूम होगा कि ये आपका बैच सीबीएसई बैच है, तो उसमें कुछ टॉपिक्स रिड्यूस्ड हो गए हैं, कुछ टॉपिक्स रिड्यूस्ड हुए हैं, तो फ्यूल सेल और कोरोजन आपको नहीं पढ़ना है। दैट द रीजन आप चैप्टर का नाम मालूम है ना सबको, सीबीएसई की गाइडलाइन आई है, मालूम है? ठीक, इसलिए न्यू चैप्टर का नाम लिखें, केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि ये बैच आपका सीबीएसई या जामिया बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो उसके लिए है, इसलिए इसमें वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो सीबीएसई ने कहा है। हाँ, बाकी एमडब्ल्यूएफ में एवरी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स में हम इस चैप्टर में जो एनालाइज करेंगे मेन इस चैप्टर में, वो है रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो भी इस बैच में हैं, सैटरडे संडे और ट्यूसडे, ये तीन क्लास आज और नेक्स्ट सैटरडे को है, फिर संडे फिर ट्यूसडे, ये तीन क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, फिर ये चैप्टर खराब हो जाए। तो फिर बाद में ये नहीं कहेंगे कि हमको समझ में नहीं आया, तो इसलिए तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन। आप शुरू की चार क्लास कर लीजिए तो आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। कुछ स्टूडेंट शुरू ही की क्लास को छोड़ देते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी थी उनको। रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब समझिए,
अरे भाई MWF में होता है, हर दिन नहीं होता है शायद, MWF सैटरडे और संडे, ये दूसरा बैच है, इसलिए तो मैं कह रहा था कि आप क्यों आए हैं इस बैच में, समझ गए टाइम कहाँ चेंज हुआ है, MWF सैटरडे संडे, ओके जैद, चलिए आप मुझे पढ़ाने दीजिए, चलिए आप दूसरे बैच के, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए सारे लोग पहले 5 मिनट अच्छे से सुने, ओके ओके, हाँ वही मैं कह रहा था आपको, ए और बी पहले सुने, मान लीजिए अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने ए मान लिया या मूल मान लिया, अभी कुछ भी नहीं लिखिएगा, और शुरू में प्रोडक्ट क्या होता है जीरो, आफ्टर सम टाइम्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, वो मैं लिखाऊंगा, ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, रिएक्टेंट जिस टाइम से घटा उतना टाइम से प्रोडक्ट बढ़ा, तो आप देखिए जब रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो रिएक्टेंट के भी मोल चेंज हो रहे हैं या कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, अब प्रोडक्ट के भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, जिस तरह फिजिक्स में वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होती है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, इसीलिए नाम है रेट, रेट का मतलब पहले जनरल फिर लिखाएंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, लिखना नहीं है अभी, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, बस, चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज हो उसको भी रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है उसको भी रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो भी स्पीशीज हो चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम को हम रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं, तो कोई भी पूछे व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन तो गौर से सुनिए पहले, फिर मैं आपसे डाउट पूछूंगा, इट इज डिफाइन एज, देखिए इधर, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, तो इसलिए पहले जनरल डिफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन की मीनिंग चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, फिर मैं एग्जांपल सब दूंगा, टाइम टेकन, तो गौर से सुनिए कि किसी भी रिएक्शंस में चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो टाइम के साथ साथ जो जैसे आप कहते हैं चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, किसी भी रिएक्शंस की रेट को मेजर करने का तरीका ये है कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन चेंज होना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा, तभी हम उस रिएक्शंस की रेट को मेजर कर सकते हैं, अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो हम कहेंगे रेट कांस्टेंट है, समझा, बताइए यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया, यहां तक सबको समझ में आया, प्रांजल सिंगला आपको समझ में आया, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, जैसे एक्सिलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसी तरह
रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो रेट कहलाता है। तो रेट की डिफिनेशन ही होती है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ओके नवाज, आया कि नहीं समझ में, जल्दी बोलो। अब आइए मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले के फॉर्म में आपको बताता हूं। सब लोगों ने लिख लिया था, चलिए जल्दी लिखिए। अरे नवाज, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? अगर क्लास करना है तो रेगुलर करो भाई, रेगुलर करो, रेगुलर। तुम तो शुरू वाले बैच में तो आए थे, जब पहला बैच बना था तो तुम तो स्टार्टिंग में आए थे भाई। लिख लिया सारे लोगों ने? अब आइए आपके पास, अब इस रिएक्शंस को देखिए प्लीज, सारे लोग सुनिएगा अच्छे से। अभी 10 मिनट के लेक्चर में हम लोग तीन चीज सीखेंगे। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन की मीनिंग समझ लिया, और एक अभी पढ़ेंगे, लिखिएगा नहीं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। आज अभी के 10 मिनट के लेक्चर में ये तीन पर जोर दीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन की मीनिंग समझ में आ गई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। लेकिन अब सुनिए, जब भी हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करेंगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट को कहते हैं। डिसअपीयर का मतलब रिएक्टेंट के बारे में, मतलब ये समझिए, बाद में नोट कीजिएगा इसको, कि रेट ऑफ रिएक्शंस को हम रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के फॉर्म में, क्योंकि डिफिनेशन में लिखा गया है ना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की रेट को हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहेंगे ऑफ ए। याद रहेगा रिएक्टेंट की रेट को क्या वर्ड कहा गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो क्या फॉर्मूला होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, ब्रैकेट का मतलब होता है मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सारे लोग देखिएगा, लिखिएगा नहीं, अब गौर से सुनिए। अभी मैंने बोला, ये सब बाद में नोट कीजिएगा, कि ड्यूरिंग, गौर से सुनिएगा, ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस बट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ये होता है, दैट द रीजन आप क्या करेंगे, जब भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा तो हम माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस, ये याद रखें। अब आइए, अरे वीडियो बंद करें भाई, रेट ऑफ अपीयरेंस, गौर से सुने, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी
चेंज इन, तो अपियरेंस का मतलब प्रोडक्ट अपियर हो रहा है, या बहुत सारे नाम कह सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन, बहुत नाम अलग अलग हो सकता है, मीनिंग अलग, मीनिंग सेम ही रहेगी। तो क्या कहेंगे, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, इसमें पॉजिटिव, क्यों, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। तो बताओ पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब रिएक्टेंट के बारे में, रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब प्रोडक्ट के बारे में, पहले बताओ ये दोनों चीज आई। तो ये साइड में इसको भी नोट करो और इसको भी लिखो सारे लोग। इसको भी लिखो, बोलिए लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बोलिए, कोई डाउट है इसमें। थैंक यू थैंक यू। अब सुनो अच्छे से प्लीज, सारे लोग सुनो। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सारे लोग सुने। अगर ए से बी बना तो गौर से सुनो, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, according to this reaction, कि जितना rate of this A disappear हो रहा है उतना ही B बन रहा है। क्या हम ये लिख सकते हैं, yes या no type करो। A जितना disappear हो रहा है, देखो coefficient one, coefficient one, जितना A disappear हो रहा है उतना सही लिखा या नहीं लिखा, जल्दी बोलो। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, जल्दी बोलो, सब लोग मिलके बोलो, सही है, सही लिखा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब आइए प्लीज, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को क्या लिखते हैं, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब इस दोनों को कहेंगे रेट, याद रखो सारे स्टूडेंट कि जब रेट ऑफ रिएक्शन, सुनो अच्छे से, जब रेट ऑफ रिएक्शंस कहेगा तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को लिखा जाएगा। देखो अच्छे से, जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा तो उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को, लेकिन जब डिसअपीयरेंस बोलेगा तो
रिएक्टेंट, अपीयरेंस बोलेगा तो सिर्फ प्रोडक्ट, अरे क्या इट इज डिफाइंड एज चेंज इन प्रोडक्ट। अरे बोलिए, चलिए आवाज आ रही है, जल्दी बोलिए। हाँ चलिए दोबारा मैं समझाता हूँ कि ए थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, ए बी बनाया तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, जल्दी जल्दी लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, उसी को हम कहेंगे आर रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को जब भी न्यूमेरिकल में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो आर इज इक्वल टू दिस, तो याद रखना है डिसअपीयरेंस कहे तो सिर्फ रिएक्टेंट, अपीयरेंस कहे तो सिर्फ प्रोडक्ट, लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन कहेगा तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लिखा जाएगा। Because rate of reaction is defined as change in concentration of either reactant or product. बोलो सबको समझ में आया? मतलब यहां तक लिख लिया था, जल्दी बोलिए। ये लिख लिया था, जल्दी बोलिए। अब आइए दूसरे एग्जाम्पल को समझिए अच्छे से, दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। ए गिव्स टू बी, प्लीज सुनिए, ए गिव्स टू बी, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, सारे लोग ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी जस्ट डबल है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। देखो ए जितना डिसअपीयर हो रहा है बी जस्ट उसका डबल बन रहा है। सारे लोग बोलो ये वाला लाइन समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, जल्दी बोलो हाँ या ना।
प्रांजल, सोहा, सब लोग बोलिए, नुजहत, नवाज, ये सब, सब जैद, सैफुल्ला, शीबा, रियाज, शिरीन, ये लाइन सबको समझ में आया? अब देखिए, तो माइनस डेल्टा, सारे लोग सुनो, माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी टू इंटू, सॉरी, टू इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी माइनस, तो हम यहां से लिख सकते हैं माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा, सारे लोग देखो एकदम लिखना मत, इज इक्वल टू वन बाई टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, तो इसी को कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्ट लिखने का तरीका, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी अगर कोफिशियंट से मल्टीप्लाइड होगा तो वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये मैंने प्रूफ किया भी। तो देखो अच्छे से, ये है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका, कि अगर देखो इधर, ए गिव्स टू बी, तो ए माइनस डेल्टा बी डेल्टा टी, टू बी तो वन बाई टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सच सच बोलो, आया कि नहीं सबको समझ में, आया कि नहीं? अब मैं कंक्लूजन लिखूंगा, जल्दी बोलो। तो एक छोटी सी रिएक्शन से मैंने प्रूफ किया कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शंस का एक्सप्रेशन लिखना हो, यहाँ कोफिशिएंट वन है तो कुछ नहीं लिखा गया, यहाँ टू है तो वो डिवाइडेड फॉर्म में आ गया। देखिए सारे लोग देखिए अच्छे से, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। अब मैं जनरल लिखाऊंगा, सारे लोग, किसी को डाउट तो नहीं है? रेशम, प्रांजल, नुजहत, नवाज, जोया, हुमा फिरदौस, हबीब, अरे हबीबुर रहमान तुम रेगुलर नहीं रहते हो यार, तुम एक बार और, हाँ ये तो मैंने प्रूव किया, देखो सामने मौजूद है जाद भाई, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन रेट ऑफ, सामने मौजूद है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो इतना आपको लिखना नहीं है, बस ये देखो लास्ट वाला देखो और पहले वाला देखो, ये तो मैंने प्रूव किया कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, कोई कोफिशियंट नहीं, माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू वन बाई टू, अगर कोई कोफिशियंट है तो डिवाइडेड फॉर्म में आएगा, जो कि प्रूव किया। जैसे सारे लोग सुनिए, सारे लोग सुनिए अच्छे से, मान लीजिए कोई जनरल रिएक्शन है आपके पास, प्लीज ध्यान दो, ए ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी बनाया। देखो अच्छे से, सारे लोग देखो, लिखना मत, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन, आर का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखोगे, माइनस वन बाई ए डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, यही चीज मैं अपने अभी पिछले में प्रूफ किया है, क्यों डिवाइडेड होगा, तो मैंने छोटा सा रिएक्शन लिखकर प्रूफ किया है, शुड बी इक्वल टू माइनस वन बाई बी रिएक्टेंट में माइनस डेल्टा टी, क्यों रेट की डिफिनेशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिवाइड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट शुड बी इक्वल टू वन बाई सी डेल्टा प्रोडक्ट में प्लस डेल्टा डेल्टा डी, पहले समझो
फिर मैं तुम लोग पहले ध्यान देना अच्छे से। बोलो आया समझ में? बताओ ये जनरल फॉर्म सबको समझ में आया? अब बोलो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखे। हाँ बताइए, लिख लिया सारे लोगों ने? कोई दिक्कत इसमें? प्रांजल समझ में आया? अब सुनिए अच्छे से प्लीज। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखिएगा नहीं। अगर आपके पास ए ए बी बी रिएक्शंस है, सी सी प्लस डी डी है, देखिए अच्छे से। अगर आपको कहे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखो, तो हम केवल माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लिखेंगे। नो कोफिशिएंट शुड बी टेकन इन द एक्सप्रेशन ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपियरेंस। अपियरेंस और डिसअपियरेंस में कोई कोफिशिएंट्स को नहीं लिखा जाएगा। ये मैंने अभी प्रूफ किया था ए से लेकर टू बी में। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बोले केवल माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। रेट ऑफ एफ मैंने इसलिए कहा, अभी 10 मिनट के लेक्चर में दोनों को लिखना सीखिए। जब कोई भी रेट पार्टिकुलर स्पीशीज लिखा जाए, पर्टिकुलर स्पीशीज के रेस्पेक्ट में लिखा, जब रेट लिखा जाएगा, बोलिए आर यू गेटिंग माई? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। यहां देखिए,
हाँ लास्ट पॉइंट, हमने ये कहा
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं लिंक सिखा रहा था आपको। ये कोई जनरल रिएक्शन है आपके पास, एसी प्लस बीटी है। तो अगर आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखेंगे तो कोई कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, नो कोफिशिएंट शुड बी टेकन। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा जाएगा। वही मैं रिमार्क्स में लिखा देता हूं। पहला पॉइंट, देयर शुड बी नो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट शुड बी टेकन in the expression of rate of appearance and rate of disappearance। बोलिए सबको समझ में आया? तो rate of appearance और disappearance में कोई coefficient नहीं, particular species जब भी रेट कहेगा तो उसमें हम कोई कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, लेकिन जब रेट का कहेगा तो हम कोफिशिएंट लिखेंगे। चलिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब मैं न्यूमेरिकल के जरिए आपका कंसेप्ट क्लियर कराता हूं, न्यूमेरिकल के जरिए। अच्छा, रिमार्क्स में एक पॉइंट और लिख देता हूं। रिमार्क्स बी में सेकंड पॉइंट ये है, सारे लोग बताइएगा, सारे लोग सुनिए। कोई भी कहे रेट ऑफ रिएक्शन मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, कि ऑलवेज पॉजिटिव कि ऑलवेज, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? क्या रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ सकता है, कि ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा कि ऑलवेज नेगेटिव में आएगा? जल्दी बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन, जल्दी बोलो। सारे लोग मिलके बोथ, वेरी गुड। हाँ, लेकिन गलत कंसेप्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव क्यों? मैं रीजन बताता हूं, सारे लोग सुनो, देखो अच्छे से, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो सर, नेगेटिव जो लिखा हुआ उसका क्या मतलब हुआ? तो देखो अच्छे से, ए बी बनाया तो रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, तो ये तो पॉजिटिव है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है आपको, बस आप इसको देखिए। ए बी बनाया, अगर a है तो ये जीरो, a माइनस एच एक्स, देखो वैल्यू माइनस है, माइनस को रहने दो,
चेंज का क्या मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ए माइनस एक्स माइनस ए बाय डेल्टा टी, ए कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, माइनस सिर्फ लगाया जाता है, माइनस का मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। देखो एक्स बाई टी आ गया फाइनल आंसर, आया कि नहीं आया सबको, प्रांजल, रेशम, जोहा, उस्मान, नुसरत, हबीब, सबको आया कि नहीं? रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। Negative sign shows that decrease in concentration of reactant in the expression of rate of reaction. बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया? तीन चीज मैंने समझाया, रेट ऑफ रिएक्शन की मीनिंग और उसको लिखने का तरीका, दूसरा है रेट ऑफ अपीयरेंस, जब बोले तो रेट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जब बोले तो रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखना है, लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शंस बोले तो दोनों को लिखना है, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा जाएगा। अब बताओ मैं न्यूमेरिकल के जरिए अब आपके कंसेप्ट को क्लियर करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन, पहले आप बनाइए फिर हम बताएंगे आपको।
आंसर नहीं दे रहा भाई। अरे किसी का आंसर नहीं आया इस बैच में। सोहा सोहा का आ गया माशाल्लाह। चलिए आप देखिए मैं बताता हूँ आपको, सारे लोग सुनिए क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए पहले तुम रेट का एक्सप्रेशन लिख लो, क्वेश्चंस कहे ना कहे पहले रेट का एक्सप्रेशन लिख लो। सारे लोग सुन, अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? हाँ क्योंकि पी के बारे में इंफॉर्मेशन है, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। हाफ चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बाई टू। आर इज इक्वल टू 0.6 बाई 4, 0.3, 0.15 मोल पर लीटर पर सेकंड। बताओ ये आंसर सबको समझ में आया पहला? जल्दी बोलो, अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जल्दी बोलो। आ गया? जी लिख लिया आप लोगों ने, लिख लीजिए जल्दी से। अब देखिए हमें कहा जा रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी लिखो। प्लीज इधर ध्यान दो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी का मतलब डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये निकालना। तो हम देखो डेल्टा बाई डेल्टा टी क्या हो जाता है, टू आर 2 into 0.15 क्या हो जाएगा 0.3 मोल पर लीटर को मैं कैपिटल एम पोलैरिटी पर सेकंड। बोलिए आया सबको समझ में? पहले देखिए क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा 2r, r की वैल्यू है। बोलिए बोलिए सबको समझ में आया? भाई मुझे निकालना क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी लिखा कैसे जाता है, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। ऊपर देखें डेल्टा बी बाय डेल्टा, इसमें रिपीट क्या करना है भाई,
डेल्टा बी बाई डेल्टा टी किसके बराबर? 2R. हमें कोई कोफिशिएंट नहीं लेना है इसमें भाई. 2 × 0.15 0.3 मोल पर लीटर पर सेकंड. रिपीट मैंने कर दिया, उम्मीद है समझ में आया होगा. सी पार्ट हमें कह रहा है रेट ऑफ, पहले देखो रेट ऑफ, जब बोला जाता टीचर इधर देखें डिसअपीयरेंस ऑफ ही माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी किसके बराबर? आर. आर कितना? 0.15. दिस इज द आंसर. बताइए ये जिसका आंसर आया सबको समझ में आया? पहले जो निकालना उसको लिखो, पहला काम ये लिख लो, ये लिख लोगे ना तो सारा आंसर करना आसान होगा. क्वेश्चन बोले ना पहले आप लिख लो इसको रेट के एक्सप्रेस. अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है तो माइनस डेल्टा बाय डेल्टा टी आर के बराबर. आर की वैल्यू कितनी आई? 0.15. बताओ सबको समझ में आया अच्छे से? चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग आंसर देंगे. ये मैंने पहला क्वेश्चन समझाया है कैसे करना है, ध्यान दें. ये काफी है प्रैक्टिस के लिए, समझा? जिसको इसमें ना समझ में आए तो उसका कोई इलाज नहीं है. 5 पार्ट्स मैंने जानबूझ के दिया है. सारे लोग एकदम आराम से बनाओ, सोच समझ के बनाओ.
चलिए पहले पहला चेक करते हैं। पहला काम हमेशा आप 1/4 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी माइनस 1/5 डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO बाई डेल्टा टी एंड 1/6। पहले तो आप ये लिख लिया कीजिए, पहला काम ये लिख लेना। अब हमें पहला पार्ट कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन लिखें। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखें तो -1/4 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T माइनस 1/4 आने दें, इंक्रीजेस फ्रॉम 0.5 फाइनल माइनस इनिशियल। देखो इससे भी ये समझ में आएगा रेट क्यों पॉजिटिव होता है, बाई टू प्लस हो गया, ऊपर कितना है 0.2। यही आएगा आंसर, बोलो जल्दी से। अरे भाई यही आंसर था, हाँ ये कितना आएगा 0.025। बताओ पहले का आंसर सबका सही है, पहले का आंसर सबका सही है, एब्रियस कैन बताओ सानिया सबका सही है पहला, आमना अदीबा आयशा उमा फिरदौस मोहम्मद ज़ैद तहरी उस्मान खान। अच्छा इसमें शीबा रियाज और तहरी आप दोनों, शीबा रियाज आपको पिछली क्लास में मैंने कहा था आप ये नंबर मेरा नोट करें, इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे जल्दी दें वरना नेक्स्ट क्लास में मैं अपने क्लास में इन नहीं करने दूंगा, एंट्री नहीं दूंगा। शीबा रियाज तहरीन समझ में आया? जैसे क्लास खत्म हो आप अपना व्हाट्सएप नंबर इस नंबर पर भेज दीजिएगा तहरीन और शीबा रियाज। अब आइए यहां बी पार्ट है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। पहले लिखना सीखिए कैसे लिखेंगे, डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी नो कोफिशिएंट। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा है तो क्या हो जाएगा 4R 4 × 0.025। सच सच बताओ झूठ मत बोलना, सबका सही है बी पार्ट, यस या नो? सबका सही है बी पार्ट 0.1 कैपिटल एम पर सेकंड, झूठ मत बोलना यहां पर। सबको समझ में आ रहा है भाई आंसर सबका सही है? चलिए सी पार्ट
सी पार्ट आपका आंसर है। आपको कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ओ टू माइनस डेल्टा ओ टू बाई डेल्टा टी, क्या हो जाएगा 5R, 5 into 0.025। बताइए सबका यही आंसर होगा शायद। ये ऐसा क्वेश्चन लिया है कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई होगी। आइए पी पार्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनओ डेल्टा एनओ बाय डेल्टा टी, इट शुड बी इक्वल टू 4R, 4 into 0.025, 0.1 कैपिटल एम ई पार्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर डेल्टा H2O बाय डेल्टा टी, it should be equal to 6R, 6 into 0.025, मतलब 0.15 कैपिटल एम पर सेकेंड। सच सच बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आया? पक्का सबको समझ में आया? वेरी गुड। बोर्ड पर पढ़ाना सही लगता है कि पैड पर? पैड पर हमको नहीं लगता है सही, आप लोग बताइए बोर्ड सही या पैड? झूठ मत बोलिए। एक लिख रही है दोनों, अल्लाह दोनों लिख रही है, अरे कुछ तो सही होगा थोड़ा बहुत।
देखिए, अगेन देखिए, पहला काम आप इस तरह लिख लीजिए, डायरेक्ट आता हो तो कोई बात नहीं, माइनस डेल्टा ओ टू बाई डेल्टा टी वन बाई टू डेल्टा एसओ थ्री बाई डेल्टा। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एसओ थ्री मतलब डेल्टा एसओ थ्री बाई डेल्टा टी ये दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस। अब देखिए हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ओ2 माइनस डेल्टा ओ2 बाय डेल्टा टी। अब देखेंगे डेल्टा ओ2 बाय डेल्टा टी किसके बराबर है, दिस मतलब हाफ डेल्टा एसओ3 बाय डेल्टा। कंफ्यूज मत होंगे, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये इसके बराबर है, हाफ इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। बोलिए बोलिए क्या हो जाएगा आपको, 2.5 10 टू द पावर 4, बी ऑप्शन इज सही। बताओ समझ में अच्छे से आया या नहीं आया, बोलो बोलो बोलो। आयशा खानम आया समझ में, आमना अदीबा, चलिए ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, नेक्स्ट क्लास नहीं छोड़ेंगे, बोर्ड पर क्लास होगी, बोर्ड पर। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।